हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 लेसन नंबर 6, दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आपने भी पढ़ा है, आपको पता है कि आपका साइंस 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन आंसर। सारे क्वेश्चन आंसर आपके डिमांड पे, आपके कॉमेंट्स पे बन रहे हैं, ठीक है। फटाफट इसका आंसर देखते हैं। कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होता है जो ऑर्गेनिज्म है उनके क्लासिफिकेशन में? तो यहाँ पे देखो दिया गया है उनके करेक्टरिस्टिक्स, जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यूनिसेल्युलर बॉडी, मल्टी सेलुलर बॉडी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इन सब के बेसिस पे उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इन सब बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। हाउ आर द प्लांट्स क्लासिफाइड? सो देखिए यहाँ पे दिया गया प्लांट्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। बाकी चीज़ें देख सकते हो उनके उनके सीड्स से जो प्लांट्स के हैं, ठीक है, उसको लेके फ्रूट्स हैं कि नहीं है, ओके। सो किस तरीके से कॉटिलेडियस सीड्स हैं, कैसा है, मतलब कॉटिलेडियस सीड्स मतलब कि एक है सीड्स हैं या दो टाइप के वो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सारे वीडियोस आपके कमेंट की वजह से ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मराठी के अपलोड हो चुके हैं, इंग्लिश के 4th यूनिट के अपलोड हो चुके हैं, और हिंदी का भी मैं बनाने वाली हूँ, और साइंस 1 के भी आपके कमेंट्स आए हैं, मैं उसको भी जल्दी ही बनाऊँगी। कल तक आपको मिल जाएगा, काफ़ी चैप्टर्स मिल जाएंगे, और ये साइंस 2 का तो मैं बना ही रही हूँ, कल तक ये भी पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके आपके जो भी आपकी डिमांड है वो आपकी कंप्लीट हो सके। ये देखिए यहाँ पे चलिए देखते हैं दूसरा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन आंसर का पूरा है, यहाँ से देख सकते हैं। इन सब के आंसर्स आपको यहाँ पे देख दिया गया है, ये रहे सारे आंसर्स, ओके। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो नीचे है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन वाज ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस बाय, किसने यहाँ पे बताया है, तो राइट ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। सेकेंड का यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपको, अरिस्टोटल, डार्विन, इसमें से कौन है, सो राइट ऑप्शन इज़ ए। थर्ड का यहाँ पर क्या आएगा, बी, ओके। फोर्थ का यहाँ पे आएगा ए, इसका राइट ऑप्शन है बी, इसका राइट ऑप्शन आएगा ए, ओके। और इसका 7th का आपका एनिमल्स, अच्छा यस, इसका आएगा सी, इसका भी है सी, राइट ऑप्शन इज बी। एंड 10th का क्या आएगा यहाँ पे, ये प्रोटोप्लास्मिक सी, ओके। सो ये आपके आंसर्स हैं। इलेवेंथ का यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी, ठीक है, इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल है,
ट्वेल्थ का राइट यहाँ पे आंसर देखिए दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो, और सारे आंसर्स तो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। यहाँ पे टिक मार्क ऑलरेडी किया गया है जो भी आंसर है, और यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन भी हैं। स्टारफिश उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉकरोच स्पारो और फ्रॉग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैमलिया क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ट्रू फॉल्स यहाँ पे आपको आंसर बताने हैं, तो इसका आंसर यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये फॉल्स है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। सेकेंड का देखिए, सेकेंड ट्रू है। थर्ड यहाँ पे फॉल्स है तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। फोर्थ देखिए यहाँ पे, फोर्थ ट्रू है, और फिफ्थ फॉल्स है तो उसके यहाँ पे रीज़न भी दिए गए हैं। ओके सिक्स यहाँ पे देख सकते हो ट्रू है, सेवन्थ फॉल्स है। ओके और एट नाइन टेन, एट नाइन आपका ट्रू है, एट एंड नाइन ट्रू है, टेन फॉल्स है। अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस देख लीजिए, क्लियर जूम इन करके मैंने आपको बता ही दिया कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। फाइलम उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। सब फाइलम क्लास और उसके करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। फाइंड द ऑड वन आउट यहाँ पे देखिए, ये इसके आंसर्स हैं यहाँ पे। तो पहले में यहाँ पे देखिए फाइलेरियल वॉर्म्स, थर्ड के यहाँ पे नेरेस, फोर्थ का स्पाइडर, एम्फियोक्सस, टॉटॉइस, ट्यूफीट, पॉम्फ्रेट, ये सब देखो दिया गया है। क्या होती है, बॉनी फिश होती है, बाकी सब कैसी फिश है, कार्टिलेंगिनस फिश है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे देखो दिया गया है। फाइंड अ कोरिलेशन, कोरिलेशन बताना है। सो इसका आंसर देखिए दिया गया है, सेकंड का देखिए आंसर दिया गया है यहाँ पे। ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है, पेज वाइज में आपको पहले आंसर दिखा देते हैं उसका। चार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में आंसर दिया हुआ अंडरलाइन करके। नेक्स्ट इसका आंसर यहाँ पे है, देख सकते हैं ये भी। बटरफ्लाई और बैट में क्या डिफरेंसेस है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर सारे के सारे, क्योंकि काफ़ी लेंदी है, आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, तो मैं कितना एक्सप्लेन करूँगी। और इजी है, एक बार आप अच्छे से रीड करोगे तो आप खुद ही से समझ जाओगे। ओके और जस्ट आपके वर्कबुक कंप्लीट करने के लिए, लर्न करने के लिए मैं फटाफट आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन वीडियो ये नहीं है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, तो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। अगर आपको आता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए बहुत ही सही वीडियो है, ठीक है। बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो जस्ट ये आपकी हेल्प के लिए है। वीडियो आप यूज़ कर सकते हो आपको इसे लिखने के लिए, लर्न करने के लिए। बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप बताइए, मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी जो भी चैप्टर आपको चाहिए।
आइडेंटिफाई मी, यहाँ पे देखो दिया गया है, बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज़ है तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि अभी शादी का सीज़न वीज़न चल रहा है तो थोड़ा आवाज़ आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर्स दिए गए इसके, आपको जस्ट लिखना ही है तो बैकग्राउंड नॉइज़ यहाँ पे हो के भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको तो लिखना ही है, एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर रही हूँ कुछ। यहाँ पे फ्रॉक का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया, किंगडम, उसका फाइलम, क्लास, करेक्टर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, देख सकते हैं। फ्रॉक क्या एक ट्रू एम्फीबियन है जो कि दोनों जगह पे रह सकता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, दोनों जगह पे वो सांस ले सकता है, वाटर में अपनी स्किन को यूज़ करता है, ओके, और मतलब सॉरी लंग्स वाइल इन वाटर, वाटर में उसकी स्किन यूज़ करता है, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए। लिजर्ड क्लासिफिकेशन, किंगडम इसका एनिमलिया है, फाइलम इसका देख सकते हो कॉर्डेटा, ठीक है, क्लास क्या है रेप्टिलिया, ठीक है, ये रेप्टाइल है ना, सो लिजर्ड भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल होती है, और इसके लिम्स वीक होते हैं और सपोर्ट नहीं करते बॉडी के वेट को, इसे लिजर्ड क्या करती है, क्रीपिंग करती है, जैसे रिंग रिंग के चलती है, उसके फीट क्या होते हैं, उसको पैड की तरह मतलब एकदम यहाँ पे उसको हेल्प करते हैं, गद्देदार रहते हैं ना थोड़ा सा, ताकि उसे यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। पेंगुइन क्या है, ये एनिमलिया है, ठीक है, कॉर्डेटा, क्लास एफ्स, यहाँ पे करेक्टर्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो, देख पेंगुइन क्या होता है, फ्लाइट लेस बर्ड है, ये सबको पता है, उड़ नहीं सकता, और ये कैसे कोल्ड स्नो क्लैड रीजन में रहता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई। एलिफेंट क्या है, देख सकते हो यहाँ पे करेक्टर्स क्या हैं उसके, एलिफेंट क्या है, टेरेस्ट्रियल है, हर्बीवोरस एनिमल मैमल है, मैं आपको पूरा पेज का आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, जूम करोगे तभी ये जो वर्ड्स हैं वो ब्लर नहीं होंगे, क्योंकि एकदम क्लियर है, ओके। साइंटिफिक रीज़न यहाँ पे बताने हैं, देख सकते हैं, एक एक आंसर मैं ज़ूम इन करके बताते हैं, फिर मैं आपको पूरा पेज करके दिखाती हूँ। टॉर्टोइस भी यहाँ पे देख सकते हो, दोनों जगह पे रख सकता है, तो ये क्या है, एम्फीबिया है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, वो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ब्रीफ में लिखना है आपको प्रोग्रेसिव चेंजेस के बारे में, ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में आंसर देख सकते हो। नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, तो इसके आंसर देख सकते हो आप।
सिमेट्री क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। दस यहाँ पे सब फाइलिया ऑफ कोर डेटा, कोर डेटा टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग, कौन से फाइलम से कॉकरोच बिलोंग करता है, तो यहाँ पे देखो दिया गया फाइलम एंथ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा, क्योंकि वही इंसेक्ट है ना। ओके यहाँ पे आंसर समझ सकते हो। लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम बताना है आपको, राइट इन टू कैरेक्टर्स ऑफ दैट फाइलम, तो यहाँ पर देखो दिया गया है पूछा गया है। एनिमल्स लाइक घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, आर दे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि दोनों ही क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो स्विम कर सकते हैं वाटर में, क्रॉल कर सकते हैं लैंड में, बट दे कैन रिस्पायर ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ठीक है तो यहाँ पे देखो दिया गया है दे आर ब्रीदिंग इज थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से वो क्या करते हैं, सांसें लेते हैं। इवन वेन इन वाटर दे हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल बाय कमिंग अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर फॉल, जब उनको सांस लेना भी होता है ना तो ऊपर आते हैं आप देखते होंगे, ठीक है, नॉस्ट्रिल से ही हेल्प ले वो सांस ले पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं आप देख सकते हो। जो वेल्स हैं, वॉलरस हैं, जो वाटर में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, सो ये इंक्लूडेड हैं पीसेस और मैमलिया में। सो देखो यहाँ पर दिया गया है मरीन एनिमल्स हैं ये वॉलरस और वेल, और ये क्या करती हैं, क्लास पीसेस से ये बिलोंग नहीं करती, दे डू नॉट हैव गिल्स टू ब्रीद इन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ओके सो नाइदर दे हैव स्केल्स ऑन द बॉडी, ना तो उनकी बॉडी पे स्केल्स है और ना ही वो अंडे देते हैं। वेल्स एंड वॉलरस हैव मैमरी ग्लैंड लाइक एंड अदर मैमल्स, दे गिव बर्थ टू लीव यंग वन, वो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, तभी आपको पता होगा कि हम वेल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, जबकि हम गाय के बच्चे को हम बोलते हैं काफ, है ना, और इस तरीके से उनको वो अंडे नहीं देती, दोनों ही वो बच्चे देते हैं। दे ब्रीथ ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स बाय पुटिंग देयर नॉस्ट्रिल्स आउट ऑफ द वाटर एट सरफेस, और सांस लेने के लिए वो ऊपर आती हैं, इसलिए वो मैमलिया में हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो देखो यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में ईजिली वो ग्रुप किए जाते हैं, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएगा और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से समझ लोगे। तो ये अगर पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इसके जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं वो लर्न करना ज़रूरी है, उसकी स्पेलिंग्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। नोटो कोड यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं कोडेट्स के, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे देख सकते हो ये दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा किधर आएगा, वो आपको अच्छे से करना है। तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं ना अच्छे से, क्वेश्चन के साथ में दिया गया आंसर भी और अंडरलाइन किया गया है सारे आपके आंसर्स। नेक्स्ट भी वैसे ही है, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन, पूरा पेज देख लेते हैं हम इसका। ओके यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इसका पूरा पेज वाइज आंसर। पैराग्राफ पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं, यहाँ पे देख सकते हो लोकोमोशन कंसिडर, यहाँ पे सर आप पढ़ सकते हो।
और क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं। ये तो आपके बुक में भी दिया गया, देख सकते हो वहाँ पे भी। हम देख लेते हैं पूरा पेज वाइज। नेक्स्ट देखते हैं अभी। ये आपको कंप्लीट करना है, देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया, अर्थवर्म को फ्रेंड क्यों बोला जाता है फार्मर्स का, तो देख सकते हैं यहाँ पे। लीच अभी आयुर्वेदिक सिस्टम में ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, किस वे में होता है, तो देखो यहाँ पे वो क्या होते हैं, ब्लड को सक कर सकते हैं। मान लो कोई अगर इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, तो अभी आप देखते होंगे कि पार्लर में ये चीज़ें भी आ गई हैं, ठीक है। अगर ब्लड में कोई क्लॉट्स जम गया है तो ये क्या करता है, ब्लड को सक कर देता है, वो निकाल देता है, ठीक है। पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है इससे। और लीच क्या करते हैं बॉडी में, यहाँ पे देयर इज़ अ सब्सटेंस कॉल्ड हीरोडाइन विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग एज इट सक्स अप द ब्लड, है ना। वॉट इज चिटिन, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, आंसर देख सकते हो, उसका फॉर्मूला भी दिया गया है यहाँ पे। देखिए क्या बेनिफिट्स हैं, किस टाइप के बेनिफिट्स हैं और क्या हार्म है। अकर टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो यहाँ पे देखो दिए गए हैं बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो यूज़फुल हमारे लिए हैं और हम उनसे प्रोडक्ट भी बनाते हैं, हनी भी, लैक इंसेक्ट, सिल्क वर्म, तो ये हमें ये सारी चीज़ें वैक्स, सिल्क, लैक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कल्चर एक्सपेरिमेंट मतलब कि दिए गए हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन था, जो कि बटरफ्लाइज हेल्प करती है पॉलिनेशन के लिए, क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होता है ये फार्मर्स के लिए और गार्डनर्स के लिए। ओके, लेडी बग बीटल जो होती है इंसेक्ट होती हैं विच एक्ट एज अ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एज इट अटैक्स अदर हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। लेकिन कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कॉन्ट्ररी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, मस्कीटो, बेड बग्स, लाइस, ब्लड सकिंग जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। मस्कीटो यहाँ पे देख सकते हो डेंगी, फलेरियाज, मलेरिया, ये सब फैलाता है। तो एलर्जीज जो होती हैं, अगर जो मक्खियाँ बैठती हैं, अगर ये इंसेक्ट अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ फैलाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हो आंसर इसका भी। अभी हम पूरा पेज इसका देख लेते हैं एक साथ में। चैप्टर कंप्लीट हो गया है वैसे, नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी करवा दूँगी, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कंसल्टिंग पूछिए, कोई और वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी हेल्प के लिए ही है चैनल और टीचर्स भी। आपको एक्सप्लेनेशंस के भी वीडियो चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, कोई छूटा नहीं है मुझसे यहाँ पे।
ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है, क्योंकि एक एक पेज भी मैंने लिखा है, एक एक क्वेश्चन भी लिखा दिया है, ये सब भी हो गया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, और आपको कोई वीडियो चाहिए आपको हमसे बताइए। मास्टर की आप बोल रहे हो तो मैं उसे भी जल्दी ट्राई करती हूँ कि आपको मिल जाए वो, उसके भी अलग अलग से वीडियोस बन जाएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी बना के आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ।